जनपद में सभी विद्यालयों का ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सुंदरीकरण किया जा रहा है, जिसके संबंध में सीडीओ संजय कुमार मीना ने बताया कि ऑपरेशन कायाकल्प में 19 पैरामीटर है, जिसमें मुख्य तौर पर विद्यालय में ब्लैक बोर्ड होना चाहिए और लड़कों व लड़कियों का टॉयलेट अलग होना चाहिए। इसके अलावा लड़के व लड़कियों के विद्यालयों में यूरिनल अलग होना चाहिए और विद्यालय के फर्श व टॉयलेट में टाइल्स लगा हो और विद्यालय के बच्चों को स्वच्छ जल पीने की व्यवस्था हो। उन्होंने बताया कि विद्यालय में बाउंड्री वॉल होना चाहिए और दिव्यांगजनों के लिए अलग से टॉयलेट होना चाहिए। अभी तक जनपद में 89% कार्य हो चुका है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीना ने कहा, देखिए ऑपरेशन कायाकल्प में 19 पैरामीटर्स हैं, जिसमें मुख्य तौर पे जैसे है कि ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, बॉयज टॉयलेट अलग होना चाहिए, गर्ल्स टॉयलेट अलग होना चाहिए, बॉयज यूरिनल अलग हो, गर्ल्स यूरिनल अलग हो, वहाँ पे टाइल्स, फर्श पे टाइल्स लगी हो, टॉयलेट में टाइल्स लगी हो, रनिंग वाटर हो पीने के लिए भी और वॉशरूम्स में भी, इसके अलावा बाउंड्री वॉल हो, और जो एक और नया कंपोनेंट ऐड हुआ है वो है CWSN टॉयलेट, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, जिनको हम लोग दिव्यांग कहते हैं, उनके लिए एक स्पेशल टाइप का टॉयलेट है, ताकि वो लोग भी ये फील ना करें कि वो अलग से हैं, उनको भी समाज में एक रूपता दिखाई दे। इसके तहत CWSN टॉयलेट का भी निर्माण कार्य हो रहा है। अभी तक जनपद का जो सैचुरेशन है वो लगभग 89% हो चुका है, जो अगस्त की रिपोर्ट है।